यार मुझे एक चीज नहीं समझ में आता है, ओरिजिनल चीजों को क्यों अलग तरह से पेश करते हैं। देखो ब्रीथ का जो सीजन 1 था जिसमें आर माधवन लीड रोल में थे, मुझे लगता है उनसे बेटर कोई भी नहीं हो सकता था। पर उसके बाद से इसका सीजन 2 आया जो कि भाई ब्रीथ इनटू द शैडो के नाम से आया, और अभी ब्रीथ इनटू द शैडो का पार्ट 2 आ चुका है, मतलब इसमें जो है कहानी आगे एक्सटेंड किया जाने वाला है। ट्रेलर को स्टार्टिंग में ही दिखाया जा रहा है कि कहानी वहीं से शुरू होने वाली है जहां पे खत्म हुई थी, मतलब अभिषेक बच्चन को जो एक अलग तरह का दौरा पड़ता था जिसके वजह से वो लोगों के ऊपर में अटैक करते थे और उनके अंदर में एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी और उसी दुनिया को जो अपने दिमाग में लेकर के चलते थे। अभी ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि आने वाले सीजन में ये दिखाने वाले हैं कि उनको जो है मेंटल असाइलम भेज दिया गया था, उनका ट्रीटमेंट हो रहा था और उसके बाद से जो है वो ठीक होकर के वापस आ चुके हैं। अब उसके बाद से इनकी कहानी जो है दोबारा से उसी ट्रैक पे आ जाती है जहां से चली थी, मतलब इनका मेंटल स्टेटस जो है अभी भी सुधरा नहीं है, वो अभी भी वही सारी चीजें करने वाले हैं जो कि सीजन 1 में किए थे। और अभी जो अमित साध का जो कैरेक्टर है वो लास्ट सीजन में जो दिखाया जा रहा था, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा बिल्डअप दिखाया गया था कि उनके कैरेक्टर को सिर्फ बिल्डअप दिया गया पर यूज में नहीं आया था, यानी वही वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थे अपनी एक्स वाइफ को लेकर के, उसके साथ के रिलेशन को आगे बढ़ाना है या खत्म करना है, इस चीज में थोड़े कंफ्यूज थे। तो लास्ट सीजन में देखा जाए तो उसी तरीके से जो है उनको बस बिल्डअप दिया गया। अभी इस सीजन में जो है कुछ और होने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है ट्रेलर के अंदर में जो अभिषेक बच्चन से भी ज्यादा खतरनाक है और उसका मेंटल स्टेटस और भी ज्यादा हिला हुआ है। ट्रेलर के एक सीन में जो है मंत्रा को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि आई एम डाइंग फॉर द एक्साइटमेंट, और उसके बाद से बोलता है ट्रस्ट मी यू विल, मतलब समझ रहे हो कुछ अलग हो सकता है। लेकिन अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर को देख करके नहीं लगता है कि उस तरह से कुछ दिखाया जाएगा, क्योंकि ट्रेलर के बीच में बार बार लिखा हुआ तो आ रहा है कि द शैडो विल बी मोर डार्कर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से कुछ हो सकता है। या तो ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी और उसके बाद से बोरिंग बना जाएगी, या फिर थ्रिल का तड़का जो है थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा जिसकी वजह से थोड़ा एक्साइटमेंट देखने में तो रहेगा। ये मेरा ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। तो ओवरऑल ट्रेलर देखने के बाद में भाई यही समझ में आ रहा है कि ये सोसा हो सकता है, तो मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, क्योंकि आजकल थोड़े कम एक्सपेक्टेशन के साथ में कुछ भी देखोगे तो आपको एंटरटेनमेंट ज्यादा मिल जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट सेम। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस ट्रेलर। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। Amazon Prime पे 9 नवंबर को रिलीज हो रहा है, आप बताओ आप एक्साइटेड हो या नहीं। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।